बार बार आपका एक बहुत श्रेष्ठ कविता के लिए, मैं एक कविता के लिए ये याद दिला रहे हैं। एक फूल और कली की बातचीत है। फूल उनका प्रतीक है जो समाज के लिए भी जीते हैं, और कली उनका प्रतीक है जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। कली और फूल की बात है। कली फूल से कुछ कहती है, फूल उसका जवाब देता है। उस जवाब तक आप इंतजार करिए, आपको कविता में आनंद आएगा। शुरू करता हूँ कि फूल से बोली कली, कली छोटी है फूल को डांट रही है। फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पखुरियों की छटा क्यों खोल दी। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। मुझको देखो, कली कह रही है कि मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है। मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देखकर रोती नहीं, हंसती नहीं। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। मुझको जीवित रहना है तेरी तरह। और जो सब स्वार्थी लोग एक दलील देते हैं कि मैं जब कांटों में पली थी, सब स्वार्थी लोग कहते हैं कि दुनिया ने हमारे लिए क्या किया जो हम दुनिया के लिए कुछ करें। कली भी कह रही है कि मैं जब कांटों में पली थी, दुनिया तब सोती रही, मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती नहीं। ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए। और अब जो फूल जवाब देता है वो मेरे नौजवानों तक पहुंचे। फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भोली कली से यूं कहा कि जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बटती नहीं, ये वो पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। वाह 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 वाह। जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बटती नहीं, ये वो पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं। चार दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। चार दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए। उसने कहा था ना, मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है। फूल जवाब देता है, ये तुम्हारी आत्म केंद्रित गंध भी क्या गंध है, ये तुम्हारी आत्म केंद्रित गंध भी क्या गंध है। जिंदगी तो दान का और प्राप्ति का अनुबंध है। हाय वाह वाह। और जितना तुम दोगे, फूल कहता है उस कली से, जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें, और पूरा उपवन पवन में ढोएगा तुम्हें, चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी तुम्हें, ओस मुक्ता हार सोते में पहनाएगी तुम्हें, धूप अपनी उंगलियों से गुदगुदाएगी तुम्हें, तितलियों की रेशमी सेहरन जगाएगी तुम्हें, और टूटे मन वाले कलेजे से लगाएंगे तुम्हें, और मंदिरों के देवता सिर पे चढ़ाएंगे। वाह वाह वाह। जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा तुम्हें, पूरे उपवन में पवन कंधों पर ढोएगा तुम्हें, चांदनी अपने दुशाले में सुलाएगी तुम्हें, ओस मुक्ताहार सोते में पहनाएगी तुम्हें, धूप अपनी उंगलियों से गुदगुदाएगी तुम्हें, तितलियों की रेशमी सेहरन जगाएगी तुम्हें, टूटे मन वाले कलेजे से लगाएंगे तुम्हें, और मंदिरों के देवता सिर पर चढ़ाएंगे तुम्हें। गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर, बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। यद संजोने का मजा कुछ है तो बिखराने में है, और जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। दूसरे दिन मैंने देखा वो कली खिलने लगी, शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।